गुड मॉर्निंग क्लास। चैप्टर हमारा कौन सा चल रहा है? डेसिमल्स वाला चैप्टर 7। ठीक है, उसकी हमने लास्ट क्लास में किया था कन्वर्टिंग डेसिमल इनटू ए फ्रैक्शन। ठीक है, डेसिमल को हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करते हैं वो सीखा था। इस चैप्टर अभी देखिए, आज की क्लास में हम कौन सा टॉपिक लेंगे, लाइक एंड अनलाइक डेसिमल्स। बोर्ड पे देखिए मैंने क्या लिखा है, हेडिंग अपनी है लाइक एंड अनलाइक डेसिमल्स। ठीक है, हमें जैसे फ्रैक्शंस होती है, लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन होती है। लाइक फ्रैक्शंस कौन सी होती है? लाइक फ्रैक्शन वो होती है जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, वो आपकी लाइक फ्रैक्शन होती है। और डिनोमिनेटर के डिफरेंस होते हैं वो आपकी कौन सी होती है? अनलाइक फ्रैक्शंस। वैसे ही आपका क्या है, डेसिमल्स है लाइक एंड अनलाइक डेसिमल्स। लाइक डेसिमल्स कौन से होते हैं? डेसिमल्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आर कॉल्ड लाइक डेसिमल्स। जैसे देखिए क्या डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 22.8 लिखा है यहाँ डेसिमल के। देखिए यहाँ फर्स्ट लाइक डेसिमल्स में क्या लिखा है, 22.8, फिर 222.8 और 6.5। हमारे पास हमने क्या है, तीन नंबर लिखे हैं डेसिमल नंबर। कौन से लिखे हैं हमने? थ्री डेसिमल नंबर लिखे हैं। देखिए लाइक डेसिमल्स कैसे डिफाइन होते हैं, फ्रैक्शंस तो उनके सेम डिनोमिनेटर से और डिफरेंट डिनोमिनेटर से हम डिनोट करते हैं कि लाइक है अनलाइक है। लेकिन डेसिमल्स में हम क्या करेंगे, उनका जो डेसिमल प्लेस है उसके अकॉर्डिंग, सेम डेसिमल प्लेस दैट मींस लाइक डेसिमल और डिफरेंट डेसिमल प्लेस दैट मींस अनलाइक डेसिमल्स। देखिए यहाँ पॉइंट ए ए वन पॉइंट नंबर के बाद डेसिमल है, सेम वन नंबर के डिजिट के बाद डेसिमल है, यहाँ भी वन डिजिट के बाद डेसिमल है। दैट मींस ये आपकी क्या होगी, सभी लाइक डेसिमल्स हो गए। ये ध्यान से देखिए, फिर यहाँ देखिए 22.8 वन डिजिट है उसके बाद डेसिमल, वन डिजिट 0.5, यहाँ वन डिजिट डेसिमल, दैट मींस लाइक डेसिमल्स। अनलाइक डेसिमल्स में देखिए यहाँ 42.3 है वन डिजिट के बाद डेसिमल, यहाँ 8.54, यहाँ टू डिजिट आ गए, यहाँ वन डिजिट के बाद है, यहाँ टू डिजिट के बाद डेसिमल है, डिफरेंट हो गया। थर्ड देखिए 422.488, यहाँ वन डिजिट के बाद था डेसिमल, यहाँ टू और यहाँ थ्री, तो ये हो गई ना अनलाइक फ्रैक्शन हो गई। डेसिमल्स का प्लेस क्या है, अलग अलग है तीनों नंबर्स में। डेसिमल का प्लेस क्या है, यहाँ वन डिजिट के बाद, यहाँ टू डिजिट के बाद और यहाँ थ्री डिजिट के बाद, दैट मींस ये अनलाइक फ्रैक्शन है। ओके, लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन आप सभी को समझ में आ गई अभी। लाइक फ्रैक्शन में क्या है, सेम प्लेस पे होगा डेसिमल सभी नंबर्स में, और अनलाइक डेसिमल्स में क्या होगा, अलग डिजिट के बाद डेसिमल्स होंगे। ओके, तो ये हमारा हो गया लाइक और अनलाइक डेसिमल्स। अब देखिए यहाँ मैंने एग्जाम्पल एक लिखा है, वो देखिए फर्स्ट मैंने क्या लिखा है, 22.32 एंड 256.76। ठीक है, सेकंड मैंने लिखा है 4.415 एंड 8.719। तो मुझे बताइए दोनों लाइक डेसिमल्स है, हमने अभी वो अभी देखा था लाइक एंड अनलाइक डेसिमल समझे थे, उसके अकॉर्डिंग मुझे बताइए ये लाइक डेसिमल्स है, इनमें से लाइक और अनलाइक कौन कौन से हैं, या दोनों ही लाइक डेसिमल्स हैं? ये देखिए आप, ये सेम है, टू डिजिट के बाद डेसिमल है, ये भी टू डिजिट के बाद, दैट मीन्स ये लाइक डेसिमल्स हैं आपके। ओके, यहां भी देखिए 4.415 और यहाँ पे 8.719, थ्री डिजिट के बाद डेसिमल है, यहाँ भी थ्री डिजिट के बाद डेसिमल है, दैट मींस ये भी आपकी लाइक डेसिमल है। अब इस क्वेश्चन में देखिए
यहाँ है 200 सॉरी 89.2 और यहाँ पे है 31.12। अब देखिए ये होगी आपकी फ्रैक्शन डेसिमल, देखिए कौन सा है, यहाँ वन डिजिट के बाद डेसिमल है और यहाँ देखिए टू डिजिट, वन और टू, यहाँ ओनली टू है तो टू डिजिट के बाद डेसिमल है। डेट मीन्स ये क्या होगी आपकी, ये आपकी अनलाइक डेसिमल्स हो गए। ओके, अब आप लोगों को लाइक और अनलाइक डेसिमल्स में डिफरेंस पता चल गया ना सभी को कैसे होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कन्वर्जन ऑफ अनलाइक डेसिमल इनटू लाइक डेसिमल्स। जैसे लाइक फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम करते थे, वैसे क्या है आपकी अनलाइक डेसिमल को लाइक डेसिमल्स कैसे बनाएंगे, देखिए आप। मैंने बोर्ड पे देखो क्या लिखा है, 8.3 लिखा है फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर मैंने लिखा है 8.30, फिर नेक्स्ट मैंने इक्वल में लिखा है 8.300 एंड नेक्स्ट मैंने लिखा है 8.300। ठीक है, तो आपका क्या होता है एक रूल मैथ में, आपका क्या होता है कि डेसिमल्स के बाद, ठीक है, हमें क्या बताया, द एडिशन ऑफ जीरो टू एक्सट्रीम राइट ऑफ ये डेसिमल डज नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ द डेसिमल नंबर। देखिए इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपकी क्या होता है कि आप जैसे आपने 8.3 है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए 8.3 आपको शो हो रहा है, उसमें आपने इसके बाद कितने भी जीरो लगाओ उससे नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। 8.3 है, यहाँ जीरो लगा दिया नंबर पे, ये नंबर आपकी वैल्यू ये सेम रहेगी, वैल्यू चेंज नहीं हुई, आप कितने भी जीरो लगाओ ये 8.3 रहेगा, क्योंकि डेसिमल के बाद कोई किसी नंबर के आगे जीरो लगाते हैं तो उससे नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। डेसिमल के बाद सीधा आपने लिखा 830, ये तो इससे बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है, इससे वैल्यू फर्क पड़ेगा, लेकिन इफेक्ट वेल कब नहीं पड़ेगा, हमारे जीरो का इफेक्ट कब नहीं पड़ेगा, जब डेसिमल हो और कोई नंबर उसके बाद हम जीरो लगाएं उस नंबर पे, तो वैल्यू क्या है आपकी एज इट इज यही रहेगी, ठीक है, क्योंकि डेसिमल के बाद वाले जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, तो आपका क्या बोल रहा है, ये डेसिमल्स हम लगा देंगे ना तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएगी, बट क्या है अनलाइक फ्रैक्शन ही बन जाएगी। जैसे देखिए मैंने यहाँ 8.3 लिखा, जीरो की है बट कोई वैल्यू नहीं है, मैंने यहाँ 8.30 लिख दिया, 8.30 8.300, ठीक है, ये फ्रैक्शन क्या है अनलाइक फ्रैक्शन बन गई। अब आपको कोई नंबर चेंज नहीं करना पड़ा, कुछ भी नहीं करना पड़ा, आपने क्या जीरो लगा दी सिंपली, मैंने यहाँ लिखा ये फ्रैक्शन मैंने यहाँ लिखी आपकी, देखिए एक एग्जाम्पल से समझ आ जाएगा आपको। अब देखिए ये आप फ्रैक्शन ये डेसिमल्स देखोगे ना तो आपको क्या लगेगा कि दोनों देखने में दोनों पता चल रहा है कि अनलाइक डेसिमल्स है, वन डिजिट के बाद है और यहाँ टू डिजिट के बाद डेसिमल है, डेट मीन्स ये अनलाइक डेसिमल है, लेकिन इसका एक आप इनको लाइक डेसिमल कैसे बना सकते हो। देखिए यहाँ 3.7 है, मैंने क्या कहा 3.70 लगा देंगे तो इस नंबर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा वैल्यू में, बट ये आपकी लाइक फ्रैक्शन जरूर बन जाएगी। समझ में आया सभी को। देखिए मैंने यहाँ 3.7 है, मैंने आपको अभी इस एग्जाम्पल में बोला था कि आप यहाँ 7 के बाद जीरो कितने भी लगा दो, ठीक है, उससे नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यहाँ 3.7 ही रहेगा इसकी वैल्यू, तो आप किसी भी क्वेश्चन में करोगे 3.7 रहेगी, लेकिन क्या जीरो से इसकी क्या ये लाइक अनलाइक से लाइक फ्रैक्शन ऑब्वियस बन जाएगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिखा, अब ये हमारे पास हमें पता है कि ये अनलाइक फ्रैक्शन है, यहाँ वन डिजिट के बाद है यहाँ टू डिजिट के बाद, दैट मींस ये अनलाइक फ्रैक्शन है। अब इसको क्वेश्चन अगर आपके आ जाता है कि इसको लाइक फ्रैक्शन बनाओ तो आप क्या करोगे, ये तो ठीक है ये तो है, हमें इस फ्रैक्शन को इसके इक्वल बनाना है, तो आपने क्या किया 3.70 लिख दिया, ठीक है, और यहाँ एज इट इज, अब टू डिजिट के बाद हो गई ना, यहाँ 70 टू डिजिट हो गए और यहाँ भी टू डिजिट है, दैट मीन्स अब ये अनलाइक फ्रैक्शन से लाइक फ्रैक्शन बन गई है। ओके, हम एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैंने यहाँ लिखा फर्स्ट ऑफ ऑल
2.34 एंड नेक्स्ट मैंने लिखा 3.754, ओके तो ये मैंने लिख दिया। अब आप देखिए ये देखने पता चल रहा है अनलाइक फ्रैक्शन है, बिकॉज यहाँ थ्री डिजिट है और यहाँ टू डिजिट के बाद पॉइंट है, ठीक है, देखने में से आप सभी को पता चल रहा है। तो अब आप क्या करोगे, सेम अभी जो मैंने बताया था यहाँ इस फ्रैक्शन को इसके इक्वल बनाना है, तो 2.340 एंड यहाँ पे ये एज इट इज है ही 3.754, ये हमारी अब लाइक फ्रैक्शन बन गई, ठीक है ना। अब इजी हो गया आपके लिए, बस एक जीरो लगाना है, आप समझ जाओगे इससे लाइक फ्रैक्शन कैसे बनानी है। एक एग्जांपल और देखिए, अब देखिए मैंने लिखा 1.7 ऑन 2.45, देखते हैं पता चल रहा है अनलाइक फ्रैक्शन है, 7 यहाँ टू डिजिट है यहाँ वन डिजिट है, ठीक है ये पता चल गया हमें। तो अब देखिए क्या किया हमने, वन इसको इसके इक्वल बनाना है 1.70 एंड ये एज इट इज 2.45, ये हमारी लाइक फ्रैक्शन लाइक डेसिमल बन गई, ओके ठीक है ना। ये सब ये लाइक अनलाइक से लाइक डेसिमल बनाना इजी है ना, सिर्फ जीरो का आपको यूज करना है और वो आपको पता होना चाहिए कितने जीरो डेसिमल दूसरी डेसिमल को देख के आपको लगाने हैं उसके अकॉर्डिंग, ओके। कल हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे कंपेयरिंग डेसिमल्स, ठीक है, कल का टॉपिक हमारा ये रहेगा, ओके। आज वाला सब कुछ क्लियर हो गया, कन्वर्जन ऑफ अनलाइक डेसिमल को लाइक डेसिमल्स हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, ओके।